तो गाइस आज का गेम प्ले होने वाला WWE 2K23 का, और इसमें हम फाइट कराएंगे ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन स्ट्रोमैन की। दोनों ही मेरे को WWE के सबसे ज़्यादा खतरनाक फाइटर लगते हैं। दोनों ही लंबे चौड़े शरीर के साथ साथ फुर्तीले और पावरफुल भी हैं। तो गाइस यहाँ पे ब्रॉक लेसनर की एंट्री हो रही है। यहाँ पे लाइट्स बंद हो चुकी हैं, सब कुछ रेड कर रखा है। असली में भी बिल्कुल ऐसे ही होती है इनकी एंट्री, और यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। और गाइस यहाँ पे ग्राफिक्स देखिए आप, गेम का कमाल के यहाँ पे ग्राफिक्स दिए हैं गेम में। यहाँ पे इनकी बॉडी, इनका फेस बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे रियल में है। और यहाँ पे बहुत ही धमाकेदार एंट्री लगती हुई इनकी। तो गाइस अब इनकी एंट्री हम स्किप करते हैं और यहाँ पे लाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को। यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन आ चुके हैं, ये भी देखिए कितने लंबे चौड़े हैं। और यहाँ पे दहाड़ मारते हुए ये थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं मैच से पहले। हाथ उठा दिए इन्होंने ऊपर मैच के लिए रेडी होते हुए। और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को डराते हुए एंटर कर रहे हैं वो रिंग की तरफ। सब कुछ धुआं धुआं हो रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे गाइस वो रिंग में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे दहाड़ रहे हैं ब्रॉक लेसनर डरते हुए और नीचे जा चुके हैं रिंग से। और गाइस जो जो वीडियो देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने में, आप तक एंटरटेनिंग स्टफ प्रोवाइड करने में। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे भी हम आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो गाइस अब देर ना करते हैं, मैच को स्टार्ट करते हैं। हम ब्रॉक लेसनर हैं और यहाँ पे हम बहुत ही तेज भागते हुए ब्रॉन स्ट्रोमैन की तरफ, और इन्होंने हमें नीचे गिरा दिया। और यहाँ पे दहाड़ने लगे हैं, पीछे देख लीजिए ब्रॉन स्ट्रोमैन, हम कोई वीक नहीं है, हम यहाँ पे ब्रॉक लेसनर हैं, किससे पंगा ले रहे हो आप एक बार देखो। अब हमने इनको नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा के इनको मुक्के पे मुक्के मार रहे हैं। हम गर्दन पकड़ लिया इनके हाथ में और आराम से मुक्के पे मुक्के बेल रहे हैं इनको। ब्रॉन स्ट्रोमैन अपना सिर पकड़ते हुए लगता है दर्द में है वो, और यहाँ पे उठ गए हैं वो। और हमने यहाँ पे आके उनको सांड की तरह सींग मार दिए क्योंकि उन्होंने लाल कलर की पेंट पहनी हुई है। हम यहाँ पे सांड की तरह आए और उनको सींग मारा। और हम यहाँ पे रिंग के कॉर्नर के ऊपर चढ़ते हुए और ऑडियंस को हम चीयर अप करते हुए, और इतने में ब्रॉन स्ट्रोमैन उठ गए हैं और यहाँ पे हमसे मुक्का खा लिया उन्होंने। दबादब मुक्के मार रहे हैं उनको, और अब दोबारा से लग रहा है बिल्डिंग नीचे गिरने वाली है। जी हाँ, बिल्डिंग नीचे गिर गई और यहाँ पे रिंग से बाहर चले गए हैं। और हम यहाँ पे पूरी तरह डोमिनेट करते हुए मैच में, अंदर हम वेट कर रहे हैं उनके आने का। और अब ऊपर आ रहे हैं ब्रॉन, यहाँ पे हमने उनको पकड़ने की कोशिश करी लेकिन हाथ में नहीं आ रहे, मुक्का भी नहीं लग रहा, क्या तेल लगा के हैं क्या। और यहाँ पे इन्होंने हमें पकड़ लिया और ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं हमें। इन्होंने मुंह के बल रस्सी के ऊपर गिरा दिया हमें, और यहाँ पे हमारे हाथ को पकड़ते हुए क्या कर रहे हैं हमारे साथ। बहुत ही तेज उन्होंने हाथ के ऊपर लात मारी हमारे, और हम यहाँ पे बहुत ही फुर्ती के साथ उठ गए और इनको वापस नीचे गिरा दिया। और यहाँ पे हाथ को हथौड़ा बना के मारा इनके ऊपर, दोबारा से हाथ को हथौड़ा बना के मारा इनके ऊपर। और यहाँ पे अब इनको घसीटते हुए हम, ये देखिए कैसे हम इनके शरीर को घसीटते हुए बीच में लेके आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए गाइस अब हम क्या करेंगे, रिंग के कॉर्नर के ऊपर चढ़ेंगे, टॉप फ्लोर पे जाएंगे, इनके उठने का वेट करेंगे और इनके ऊपर कूद जाएंगे जैसे अभी कूदे। और यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह इनको मारते हुए हम, और ये देखिए कैसे हमने इनको बीच में से पकड़ लिया और बहुत ही बढ़िया झूला झूला दिया इनको। बहुत ही तेज कमर में लगी हुई की इनके, और ये क्या, बहुत ही फुर्ती के साथ उठ गए वापसी। और यहाँ पे फिर दोबारा मुक्का खा रहे हैं हमसे और दोबारा नीचे लेटा दिया, और दोबारा हमने इनको पकड़ लिया बीच से और दोबारा झूला झुलाने की तैयारी। और यहाँ पे एक और झूला दे दिया इनको, कमर में दर्द हो रही है इनको बहुत, और लेकिन पता नहीं कैसे इतनी जल्दी उठ जाते हैं। तभी इनको मॉन्स्टर कहा जाता है, लेकिन हम भी मॉन्स्टर से कम नहीं, दोबारा वही चीज़ करके हमने दोबारा इनको नीचे लेटा दिया। और अब हमने इनका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया हमने इनका। और गाइस यहाँ पे हम ऑडियंस को चीयर अप करते हुए उठने का इंतजार करते हुए हम इनके फिनिशर की तैयारी में, हम जल्दी उठो ब्रॉन स्ट्रोमैन। और यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, और यहाँ पे इन्होंने रोप ब्रेक कर दिया, बहुत ही गलत हुआ हमारे साथ, रस्सी पकड़ ली उन्होंने और बच गए। उनकी गर्दन पकड़ के अब इनको बीच में लेके आते हैं हम, और ये क्या, इन्होंने हमारे मुंह पे लात मार दी, घुमा के लात मारी उल्टी। और यहाँ पे हमने दोबारा उनको पकड़ लिया, घुसंड मारा हमने बहुत तेज, और यहाँ पे इन्होंने वापसी हम पे अटैक करना शुरू करा, हमने भी अटैक करा उनके ऊपर, और यहाँ पे दोबारा से वो नीचे गिर गए। और यहाँ पे ये क्या, दोबारा से इन्होंने हमारे ऊपर लात मार दी, वापसी करने का सोच रही है इन्होंने, अब लगता है मारेंगे बहुत हमें, रिंग के कॉर्नर पे भेज दिया हमें, अब ये क्या करने वाले हमारे साथ पता नहीं। और ये अपने शोल्डर से अटैक करते हुए हमारे ऊपर, बहुत ही तेज इनका शोल्डर लगा। और यहाँ पे ये क्या करते हुए, अभी से ये सोच रहे हैं हम पिन हो जाएंगे, ऐसा सोच भी कैसे लिया इन्होंने, ब्रॉक लेसनर है हम। और यहाँ पे इनके ऊपर अटैक करते हुए हम दोबारा से, और इनको रिंग के कॉर्नर में भेज दिया। और ये क्या करा इन्होंने, वहाँ से हट गए और हमें कैंची बना दिया। और यहाँ पे अब हमारे ऊपर अटैक करते हुए पूरी तरह हम इनके काबू में, अब नीचे गिर चुके हैं हम। और यहाँ पे रिंग के कॉर्नर में जाते हुए हम नीचे गिर चुके हैं, और यहाँ पे हम वापसी उठ चुके हैं, रिंग में आ चुके हैं, वो भी रिंग में आ चुके हैं। और ये देखिए,
यहाँ पे कैसे हमने दोबारा से सांड बन के इनके ऊपर सींग मार दिए। लाल पैंट इनको नहीं पहन के आनी चाहिए थी आज, और ये वापसी उठ गए हैं और दोबारा से इनको हमने रिंग के साइड में फेंक दिया। और ये देखिए हमने क्या करा इनके साथ, गर्दन से पकड़ लिया, इनके शरीर को हवा में लटका के इनको नीचे गिरा दिया। और अब हम इनको दूसरा मूव देने की तैयारी में, और ये क्या करा इन्होंने हमारे साथ, हमारी टांग पकड़ के हमें नीचे गिरा दिया इन्होंने। और यहाँ पे हमें ऊपर उठाते हैं, और ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, हमें बीच में से पकड़ लिया और उल्टा लटका दिया और नीचे गिरा दिया हमें। सब कुछ लाल हो रहा है, लग रहा है यमराज आ रहे हैं। और यहाँ पे हमें पिन करने की कोशिश, और यहाँ पे बच गए हम। और ये देखिए कैसे हमने कमबैक करने की कोशिश करी और दोबारा से इन्होंने पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया हमें। और इस बार हमारा लग अच्छा था कि हम रिंग के कॉर्नर में थे और हमने रोप ब्रेक कर दिया। और ये देखिए यहाँ पे कैसे हमने कमबैक करा, इनको नीचे गिरा दिया। और अब हमारे पास दोबारा से मौका है कमबैक करने का, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे इनको फिनिशर दे के पिन कर दें। और यहाँ पे हम इनके मुंह के ऊपर अटैक करते हुए, और यहाँ पे हम इनके उठने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम फिनिशर दे सके और इनको पिन करें। और स्ट्रॉमैन यहाँ पे उठने की कोशिश करते हुए, और यहाँ पे हमने इनको दबोच लिया है और इनको पूरी तरह कब्जे में ले लिया है। और ये क्या, ब्रॉन स्ट्रॉमैन ने हमारी टांग नीचे कर दी और बाहर निकल गए, और इन्होंने उल्टा हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हमें नीचे गिरा दिया इन्होंने। बहुत ही खतरे में हम यहाँ पे, हमारी पावर भी बिल्कुल डेड के बराबर ही है, हमें बहुत ही जल्दी कमबैक करना होगा यहाँ पे। और दोबारा से इन्होंने हमारे मुंह के ऊपर बहुत ही तेज मारा, और अब ये क्या कर रहे हैं, रिंग के कॉर्नर में जा रहे हैं, लगता है ऊपर से कूदने की तैयारी है। ये हमारे ऊपर कूद के तो वैसे ही हम खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने इनकी टांग के ऊपर मुक्का मार के इनको नीचे गिरा दिया है। और यहाँ पे ये झूला सा खाते हुए, लगता है बिल्डिंग गिरने वाली है। जी हाँ, हमने इनके ऊपर सैंड बन के दोबारा से सींग मार दिए, अब वो नीचे गिर चुके हैं। और यहाँ पे हम इनके ऊपर थोड़े से और लात घूंसे मारेंगे ताकि ईजिली पेन हो जाए। फिलहाल हम इनके मुंह को लाल करते हुए, और यहाँ पे हम भी थक रहे हैं, हमारी पावर भी बहुत कम है, स्टेमिना हमारा बहुत कम हो चुका है। और यहाँ पे हम इनके ऊपर लगातार लात घूंसे चलाई जा रहे हैं, और अब उठ चुके हैं वो। और हमने इनके हाथ से पकड़ के इनको सामने भेज दिया है, और बहुत ही तेज इनके पेट में घुसंड मार दिया है, बहुत ही दर्द में होंगे यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रॉमैन। और हमने इनको पकड़ के नीचे लिटा दिया दोबारा। और यहाँ पे हम बहुत ही जोश में मूव देने की तैयारी में इनको, अब इनके उठने का इंतजार करेंगे, फिनिशर देंगे और पिन कर देंगे इनको। और स्ट्रॉमैन लड़खड़ाते हुए उठते हुए, और यहाँ पे हमने इनको दबोच लिया। और ये देखिए दोबारा से क्या हुआ, दोबारा से रोप ब्रेक हो गया। बहुत ही अच्छा लक लेके आए हैं यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रॉमैन, और यहाँ पे लात मार दी इन्होंने हमारे ऊपर, हमने मुक्के चला दिए। बहुत ही टफ फाइट हो रही है दोनों के बीच में, और यहाँ पे वो भी अटैक करते हुए हमारे ऊपर, हमने वापसी में एक और यहाँ पे लात मारी उनके ऊपर, और यहाँ पे इनको रिंग के कॉर्नर में डाल दिया। और इस कॉर्नर से हम उनकी फ्लाइट लैंड कराते हुए, और दूसरी जगह टेक ऑफ कर लिया उन्होंने। और यहाँ पे हमने ऊपर चढ़ के इनको दोबारा से लात मारी इनके पेट में, अब इनकी टांगों से पकड़ के इनको नीचे गिराने की तैयारी में। ये देखिए कैसे हमने इनको हवा में लटका के नीचे गिरा दिया। अब यहाँ पे पिन करने की कोशिश करते हैं, उनकी पावर डेड हो चुकी है, लगता है यहाँ पे जीत जाएंगे हम। और हाँ, हम यहाँ पे जीत चुके हैं। बहुत ही अच्छा मैच दोनों के बीच में, दोनों ही तरफ से बहुत ही कॉम्पिटिटिव फाइट रही है। और यहाँ पे लेसनर अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हुए। तो गाइज आप भी कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये मैच, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप अपनी मर्जी के फाइटर्स का नाम भी बता सकते हैं जिनके बीच में फाइट देखना चाहते हैं। और गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।